सर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। सुनो, सो चैप्टर नंबर 5 सर हमारे लिए मई 21 जो जुलाई में एग्जाम होने वाला है उसके लिए एप्लीकेबल है या नहीं, तो लेट मी कैटेगोरिकली स्टेट। देखो नवंबर 21 एंड बियॉन्ड वाले अगर आप हो देन इन दैट केस आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। बहुत 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 क्लियरली इंस्टीट्यूट ने यहां पे साफ शब्दों में लिखा है, प्लीज मेक अ नोट ऑफ द फॉलोइंग डिलीशंस, ठीक है। एंड जहां पे लिखा है फ्रॉम नवंबर 21 एंड ऑनवर्ड्स, सो इफ यू आर नवंबर 21 एंड ऑनवर्ड्स, आपके लिए वीडियो खत्म, आपके लिए चैप्टर खत्म, आप जा सकते हैं, नमस्ते। और क्या अपडेट्स है उसके लिए आप सब्सक्राइब रहिए, थैंक यू। अब आते हैं हमारे मई 21 एंड जुलाई 21 वालों के लिए, क्योंकि वो बहुत कंफ्यूज्ड है। सर यहां पे आप बोल रहे हो कि मई में नहीं आएगा मई अटेम्प्ट के लिए, बट अगर उन्होंने पूछ लिया तो क्या, तो एज आई सेड के अगर आप एक लॉजिकल इंटरप्रिटेशन लगाओ तो लास्ट 6 अटेम्प्ट इफ यू सी देन इन दैट केस लास्ट 6 अटेम्प्ट में ये चैप्टर का वेटेज रहा है 0, ठीक है। लास्ट 6 अटेम्प्ट मतलब नवंबर 18, मई 18, नवंबर 19, मई 19, नवंबर 20, जून जैन 21, सो ये 6 अटेम्प्ट में इस चैप्टर का वेटेज हैज बीन 0। अब 8th अटेम्प्ट से ये चैप्टर है ही नहीं तो ऑब्वियसली वेटेज 0 है। सो 7th अटेम्प्ट में तो इंस्टीट्यूट नहीं पूछना चाहिए ना, क्योंकि जब आपने इसको निकाल दिया है तो आप या तो इंस्टीट्यूट इधर लिख दीजिए, ये नवंबर 21 के जगह पे आप प्लीज यहां पे लिख दीजिए कि ये मई 21 एंड ऑनवर्ड्स एप्लीकेबल नहीं है, सो दैट स्टूडेंट्स गेट सेटिस्फैक्शन। बिकॉज एज अ प्रोफेसर मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि नहीं आएगा, आप लोग को ये एग्जाम में नहीं आएगा, बट फिर भी यार कहीं ना कहीं डर रहता है। अगर मैं स्टूडेंट एंगल से सोचूं तो मुझे भी लगता है यार इंस्टीट्यूट कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने के लिए तो ना पूछ ले, तो लॉजिकली लॉजिकल इंटरप्रिटेशन को इसका लगाएगा जो मैंने लिखा है लास्ट 6 अटेम्प्ट 8 अटेम्प्ट में है ही नहीं, लास्ट 6 अटेम्प्ट में 0 है, तो 7 अटेम्प्ट में लॉजिकल होगा, लेट मी बी वेरी क्लियर एंड स्ट्रेट, तो वो एग्जामिनर नहीं पूछेगा इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन। बट अनसर्टेनिटी इज द न्यू नेम ऑफ ICAI एग्जाम पेपर्स, तो अपने पेपर्स में कुछ अनसर्टेनिटी रहती है। Therefore, I am telling you के फिलहाल इस चैप्टर को मत करो। आज मैं इंस्टीट्यूट को एक मेल सेंड करूंगा एंड विल आस्क देम कैटेगोरिकली दैट प्लीज बता दीजिए यहां पे ये चैप्टर एप्लीकेबल मई 21 के लिए भी नहीं है तो बेटर होगा। 2 हफ्ते अपन वेट करेंगे, सो 20th जून तक डू नॉट टच दिस चैप्टर। तब तक मेरे पास अगर इंस्टीट्यूट का मेल आ गया विच आई एम एक्सपेक्टिंग देन इन दैट केस वी विल नॉट स्टडी दिस। अगर नहीं आता है एंड फिर भी अपने को 1% भी डाउट नहीं रखना है तो यूट्यूब पे मेरा 1 घंटे का वीडियो है, पूरा चैप्टर 1 घंटे में हो गया, वो देख लेना, 1 घंटा अपने लाइफ का थोड़ा स्पेयर कर देना। आई नो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू सी ए फाइनल स्टूडेंट्स, बट कुछ नहीं कर सकते। सो 20th जून तक फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स यू आर नॉट टचिंग दिस चैप्टर, इट इज ओवर एंड आउट। लॉजिकली मेरे हिसाब से तो इसमें से कभी क्वेश्चन नहीं आएगा अब, तो इन शॉर्ट जुलाई 21 वाला जो अटेम्प्ट है उसमें नहीं आना चाहिए। बट लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव फेल्ट के सर आ गया तो आप क्या बोलोगे, आप गारंटी लेते हो क्या? बिहार इंस्टीट्यूट का तो कोई गारंटी नहीं ले सकता किसी चीज का, एग्जाम का। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूं वेट कर लो, मेल डालने दो मेरे को एंड देन वी विल सी व्हाट इज टू बी डन, ठीक है। आई होप दिस क्लैरिफाइज इट। पीरियड, हास्ता ला विस्ता, कीप स्टडिंग हार्ड, थैंक यू।